मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है फ्रैंक फिर अपने गाड़ी में बैठा है और जब उसकी घड़ी में अलार्म बज रहा होता है तभी निकलने वाला रहता है। तभी एक लड़की किसी बहाने से आती और फ्रैंक पे गन तान देती है। तभी उसके साथी उसके गाड़ी लूटने आते हैं पर कोर्ट के कारण वो उस गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर पाते और फिर फ्रैंक और उनमें फाइट होती है और फ्रैंक सबको मार कर वहां से चला जाता है और पहुंचता है एक स्कूल के बाहर जहाँ एक बच्चा उसकी गाड़ी में बैठता है। उसका नाम जैक रहता है और फ्रैंक उसे घर ले जा रहा होता है। जहाँ वो घर में एंट्री लेता है तो देखता है कि जैक के मॉम डैड आर्ग्यू कर रहे होते हैं। तभी फ्रैंक अपनी गाड़ी आगे बढ़ा लेता है और फिर जैक की मॉम आती है गाड़ी के पास और फ्रैंक को थैंक्स बोलती है सिचुएशन को समझने के लिए और उसका नाम ऑड्री रहता है। उसके बाद वो बच्चे को अंदर जाने के लिए कहती है और वो फ्रैंक से बात करने लगती है और कहती है जैक को कल डॉक्टर के पास लेके जाना है। तभी हमें पता चलता है कि कुछ लोग उनकी बातें सुन रहे होते हैं। फ्रैंक हाँ करके वहाँ से चला जाता है अपनी गाड़ी के साथ। उसके बाद कुछ लोगों को दिखाया जाता है और उनके बॉस को भी, उसका नाम कैनी रहता है, और उसकी गर्लफ्रेंड को भी दिखाया जाता है, उसका नाम लोला रहता है। तभी कैनी आता है और किसी से डील कर रहा होता है किसी वायरस के लिए और एंटीडोट अपने सेफ में रख देता है। उसके बाद फ्रैंक को फोन पे बात करते हुए दिखाया जाता है। तभी वहाँ ऑड्री आती और फ्रैंक के थोड़ा करीब आने की कोशिश करती है पर फ्रैंक उसे समझाता है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ गैनी की गर्लफ्रेंड लोला और उसके आदमी एक बिल्डिंग में इंटर कर रहे होते हैं। तभी फ्रैंक को जैक के साथ आते हुए दिखाया जाता है। वहीं लोला और उसके आदमी उसी डॉक्टर के पास जाते हैं जहाँ जैक को आना रहता है। वो उन सबको मार के उनकी जगह ले लेती है। तभी फ्रैंक जैक के साथ ऊपर आता है और लोला फ्रैंक से कहती है डॉक्टर अभी छुट्टी पर है, आप दूसरे डॉक्टर से मिल सकते हैं। तभी उसका आदमी आके जैक को ले जाता है। तभी फ्रैंक को एक कॉल आता है उसके फ्रेंड का और फ्रैंक की नजर पड़ती है लोला के टैटू पे जिसपे की उसे शक होता है और वो जल्दी से अंदर जाता है तो देखता है वो लोग जैक को इंजेक्शन दे ही रहे होते हैं कि वो कहता है मुझे लगता है कि डॉक्टर का वेट कर लेना चाहिए, हम दूसरे दिन आते हैं। तभी फाइट स्टार्ट हो जाती है। फ्रैंक जैक को दूसरी रूम में भेज देता है वेंटिलेशन के द्वारा। तभी लोला भी गन चलाने लगती है पीछे से और अच्छे से फाइट होती है और दिखाया जाता है उसका एक आदमी फ्रैंक के गाड़ी में बॉम्ब फिट कर देता है। तभी फ्रैंक जैक को लेके पार्किंग में आता है और वहां से निकल जाता है अपनी गाड़ी से पर उसे पता नहीं होता है कि गाड़ी में बॉम्ब लगा हुआ है। लोला भी वहां से गोली चलाते हुए निकलती है फ्रैंक पे पर फ्रैंक की गाड़ी बुलेट प्रूफ होती है जिससे कि वो वहां से निकल जाता है जैक को लेके। उसके बाद लोला ज्ञानी को कॉल कर बताती है कि वो वहां से निकल गया है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है ऑड्री जैक के लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करके बैठी है। तभी फ्रैंक जैक को लेके पहुंचता है उसके घर के पास और ऑड्री भी वेट कर रही होती है जैक के आने का पर वैसे ही फ्रैंक को एक कॉल आता है ज्ञानी का और वो बॉम्ब के बारे में बताता है और कहता है लोला को गाड़ी में बैठाने के लिए और जैसे वो कहे करने के लिए। तभी ये सब ऑड्री भी देख रही होती है और फ्रैंक वहां से निकल जाता है लोला के कहने पे और पुलिस से बचते हुए एक पार्किंग में पहुंचता है। उसके बाद वहां से भी जाते हुए दिखाया जाता है और ऑड्री के घर पे पुलिस को आते हुए दिखाया जाता है। वो वहाँ आके फ्रैंक के बैकग्राउंड के बारे में बताता है कि वो एक स्पेशल फोर्स से बिलोंग करता है, एक हंटर की तरह है। उसके बाद फ्रैंक को दिखाया जाता है वो जैक और लोला के साथ एक यार्ड में पहुंचता है जहाँ ज्ञानी के लोग जैक को गाड़ी में से उतार लेते हैं और फ्रैंक भी बाहर आता है और ज्ञानी से उसकी मुलाकात होती है। तभी ज्ञानी जैक के डैड को कॉल करता है फ्रैंक के सामने और कहता है 2 घंटे में $2 मिलियन देने को, अगर जरा भी देर हुई तो एक एक करके उसके फिंगर और काट के भेज देगा। और उसके बाद फ्रैंक को वहां से जाने के लिए कहता है। तभी फ्रैंक को जाते समय बॉम्ब दिखता है पानी में रिफ्लेक्ट होता हुआ। उसके बाद फ्रैंक वहां से निकलता है। दूसरी तरफ ज्ञानी अपने लोगों के साथ वहां से भी निकल जाता है बोट के सहारे और बॉम्ब स्टार्ट करवाता है लोला से, पर जब तक उतने देर में ही फ्रैंक वो बॉम्ब निकाल लेता है एक पुली की मदद से और कॉल करता है जैक के डैड को और बताता है कि जल्दी से एक्ट करो। और वो 3 बोट के साथ निकले हैं पर वो फ्रैंक से पूछते ही रह जाते हैं कहाँ हो तुम और कॉल को ट्रेस कर। जब तक पहुंचते हैं तो वहां से फ्रैंक के फोन होता है। उसके बाद फ्रैंक को एक दूसरे फोन से टाकोनी को कॉल करके वहां से निकलने के लिए कहता है। उतने में ही पुलिस वहां आके टाकोनी को लेके जा रही होती है। तभी फ्रैंक पहुंचता है वहां और देख रहा होता है दूर से। उसके बाद फ्रैंक ऑड्री को कॉल करता है और कहता है वो जैक को कुछ नहीं होने देगा और कॉल काट देता है। उसके बाद फ्रैंक को वहीं डॉक्टर वाले बिल्डिंग में जाते हुए दिखाया जाता है जहां वो अंदर जाता है और देखता है सब जला हुआ है और
तभी एक इंजेक्शन उसे मिलता है जो फाइट करने के दौरान गिर गया होता है। पर कुछ ऑफिसर वहां आते हैं और गोली चलाने लगते हैं, वैसे ही वो इंजेक्शन टूट के गिर जाता है। तभी फ्रैंक उन सबको मार कर वहां से निकल जाता है। उसके बाद टाकोनी को दिखाया जाता है, वो पुलिस वालों के लिए कुछ पका रहा होता है। तभी फ्रैंक उसे कॉल करता है और उनकी कंप्यूटर से एक आदमी के बारे में पता करने के लिए कहता है। टाकोनी बात करते करते उसे वो डिटेल दे देता है। तभी फ्रैंक वहां पहुंचता है तो देखता है कि वो वहां से छोड़ के जा रहा होता है। तभी दोनों में सामना होता है और गन फाइट स्टार्ट हो जाती और फ्रैंक उसके पीछे भागता है और कुछ देर तक चेजिंग करने के बाद उसे पकड़ लेता है और उसे एक फेक इंजेक्शन लगाता है जिससे कि वो वहां से भाग के कहां जाता है। उसके बाद जैक के मॉम डैड वेट कर रहे होते हैं किडनैपर का कि वो आके पैसा ले जाए। वैसे ही उन्हें पता चलता है कि जैक मिल गया है और वहां जाके एक रोबोट की मदद से पहले चेक करते हैं पर ऑड्री से बर्दाश्त नहीं होता है और वो जाके खोलती है तो वहां जैक ही रहता है और उसके मॉम डैड उसे उसी वैन में मिल रहे होते हैं। तभी पता चलता है कि ये सब एक कैमरा से ज्ञानी देख रहा होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है फ्रैंक उस आदमी का पीछा कर रहा होता है जिसको पहले इंजेक्शन दिया था और पहुंचता है एक जगह जहां उसे देखने को मिलता है कुछ लोग वायरस की टेस्टिंग कर रहे होते हैं। और जब वो आदमी वहां एंटीडोट लगाने पहुंचता है तभी फ्रैंक वहां पहुंच उसे मार देता है और उस डॉक्टर को वायरस का डिटेल देने के लिए कहता है, पर वो डॉक्टर उस एंटीडोट को बाहर फेंक देता है ये कह के कि उड़ सकते हो तो ले लो एंटीडोट। तभी फ्रैंक भी उस एंटीडोट के पीछे कूद जाता है और एक बोतल को बचा लेता फिर वहां से चल देता है। उसके बाद दिखाया जाता है जैक सिख है और डॉक्टर उसे देखने आया है। फिर जब ऑड्री किचन में जाती है तभी उसे कॉल आता है फ्रैंक का, वो एक कोने में जाती है बात करने के लिए पर फ्रैंक उसे वहीं खड़ा मिलता है और ऑड्री को उस वायरस के बारे में बताता है और ऑड्री को ट्रस्ट नहीं होता है, मुझ पर भरोसा करो, और फिर जैक को एंटीडोट दे देता है। और जब फ्रैंक वहां से जा रहा होता है तभी कुछ गार्ड देख लेते हैं फ्रैंक को। उसके बाद फाइट होती है और फ्रैंक सबको मार के वहां से जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है जैक के डैड को मीटिंग में जाते हुए जहां सिटी के बड़े बड़े लोग आने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने के लिए। तभी ज्ञानी को दिखाया जाता है लोला के साथ जहां हमें पता चलता है कि वो वायरस जैक के डैड के द्वारा वहां सभी लोगों को पहुंचने वाला और कल तक सब मर जाएंगे। फिर फ्रैंक को टाकोनी को कॉल कर कंप्यूटर से पता करने के लिए कहता है। तभी टाकोनी ज्ञानी का एड्रेस और दूसरी डिटेल सब बताता है पर उसकी गाड़ी जब तक पुलिस के हाथ लग जाती है तो फ्रैंक एक टैक्सी लेकर वहां से निकल जाता है। और उतने में ही ये भी दिखाया जाता है ऑड्री और उसके हस्बैंड दोनों बेहोश होकर गिर जाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है ज्ञानी उस पूरे एंटीडोट को अपने शरीर के अंदर ले रहा होता है जिससे कि उसे कोई ले ना पाए। तभी वहां फ्रैंक आता है उस टैक्सी में और वो लोग उस पर फायरिंग करते हैं पर फ्रैंक एक अंडरग्राउंड टनल से वहां से निकल जाता है। और जब वो लोग फ्रैंक को खोजने घर में आते हैं तब फ्रैंक उन्हें वहां मिलता है और फाइट होती है। थोड़ी देर फाइट होने के बाद फ्रैंक अंदर की ओर जाता है जहां उसका सामना ज्ञानी से होता है और उससे गोली मारने वाला रहता है। पर ज्ञानी उसे कहता है पहले उधर देख लो, तुम नहीं चाहोगे कि मेरा एक बूंद भी खून गिरे कि जब इतना मेहनत कर यहाँ तक आए हो एंटीडोट के लिए। तब फ्रैंक पूछता है ये सब किस लिए। तब ज्ञानी कहता है ये बस मेरा काम है, फर्क इतना है कि इसके पैसे मुझे तुमसे ज्यादा मिलेंगे। तभी लोला आती है गन के साथ ऊपर से और ज्ञानी वहां से चला जाता है ये कह के कि इसे मार डालो। फिर दोनों में फाइट होती है पर फ्रैंक उसे मार वहां से एक कार से पीछा करता है क्योंकि ज्ञानी हेलीकॉप्टर में रहता है। तभी टीवी पे भी पुलिस को भी एक क्रिमिनल को चेस करते हुए दिखाया जाता है जहां उन्हें पता नहीं होता है कि जो गाड़ी वो दिखा रहे होते हैं उसमें फ्रैंक बैठा हुआ है। उसके बाद फ्रैंक पहुंचता है ज्ञानी का पीछा कर एक एयरपोर्ट पे जहां ज्ञानी जेट पे बैठ जाता है और फ्रैंक कार से पीछा कर रहा होता है और थोड़े के बाद वो प्लेन के आगे वाले पहिए के सारे चढ़ जाता है। और जब उनका को पायलट जाके एक कवर्ड खोलता है तभी फ्रैंक वहां से निकलता है और फिर ज्ञानी और फ्रैंक का आमना सामना होता है। फिर दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है और जब ज्ञानी फ्रैंक को गोली मारने वाला रहता है तभी फ्रैंक हट जाता है वहां से और गोली पायलट को लग जाती है और प्लेन सीधा पानी में गिरने लगता है। उसके बाद फ्रैंक ज्ञानी को लाइफ जैकेट पहना कर पानी से बाहर निकलता है। तभी वहां पुलिस बोट आ जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है फ्रैंक को फूल के साथ हॉस्पिटल आते दिखाया जाता है जहां अपने मॉम डैड के साथ पजल खेल रहा होता है। तभी फ्रैंक फुल नर्स के हाथों में भेज वहां से टाकोनी के साथ चला जाता है और उसे एयरपोर्ट पे छोड़। जब गाड़ी में बैठता है तो उसे एक कॉल आता है, वैसे ही मूवी का द एंड हो जाता है।